संगीतमय भागवत कथा का आयोजन कतरास चैतुड़ी मैदान में संगीतमय भागवत कथा आयोजन किया गया। श्रीमद् भागवत कथा के पंचम दिवस पर श्री धाम वृंदावन के भागवत प्रवक्ता श्री ललित वल्लभ जी महाराज ने श्रोताओं को संबोधित करते हुए कहा कि आजकल लोग बेटा चाहते हैं, बेटा नहीं श्री राधा रानी का जन्म उत्सव मनाकर शिक्षा दी कि माँ चाहिए, पत्नी चाहिए, बहू चाहिए, तो बेटी क्यों नहीं चाहिए। बेटी और बेटा को समान दृष्टि से देखना चाहिए। बेटी लक्ष्मी का रूप है, शहनाई उसी घर में बसती है जिसके घर में बेटी होती है। तथा प्रसन्न को आगे बढ़ाते हुए महाराज जी ने पुतना वध की कथा श्रवण कराए। कहा कि पुतना अपने स्तनों में जहर लगाकर भगवान को मारने आई थी, फिर भी भगवान ने उसे अंत में माँ की गति प्रदान के आगे बाल लीलाओं में माखन चोरी भगवान ने की। भगवान श्री कृष्ण ने गिरिराज पर्वत को उठाया और उसका पूजन कराया और कहा कि प्रकृति की पूजा, वनों का संरक्षण बहुत जरूरी है। जैसा वसुदेव जी भगवान श्री कृष्ण ने स्पूतना को अपनी माँ की यशोदा की गति दे डाली। जो लोग कृष्ण ने यशोदा माँ के लिए सुरक्षित रखा था कि जब हमारी यशोदा मैया हमें छोड़कर के जाएगी तब मैं यशोदा मैया को यह लोक दूंगा, वह लोक कृष्ण ने जय जिस
प्रकार राम कृष्ण का जन्म महोत्सव मनाते हैं, उसी प्रकार हम सीता जी का जन्म महोत्सव मनाएं और श्री राधा रानी का जन्म महोत्सव मनाएं। बेटा बेटी का भेद समाप्त करें, सबसे पहले भक्ति क्षेत्र से ही यह भेद हमें समाप्त करना होगा। भक्ति क्षेत्र में राम कृष्ण का जन्म मनाते हैं, लेकिन राधा सीता